सामने। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 आज हम पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.2 में हमको इक्वेशन बना करके उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसीलिए आप अच्छे समझेंगे तभी आपके समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, आपने जब क्लास 7 में पढ़ा था उसमें क्या था, रेशनल नंबर नहीं, उसमें रेशनल नंबर में जो आपका बनाना था आपको लीनियर इक्वेशन, उसमें रेशनल नंबर नहीं था, उसमें आपका क्या था, इंटीजर्स का नंबर था या होल नंबर था, उससे आपको इक्वेशन बनाना था। लेकिन इसमें आपको किससे बनाना है, रेशनल नंबर से बनाना। इसीलिए आप उसको अच्छे समझेंगे, उसके बाद फिर आप समझ जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर्स, कह रहे हैं अगर किसी नंबर में से कोई नंबर हो और उसमें से 1/2 हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, और जो उसका रिजल्ट है उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, यू गेट 1/8, हमको जो मिल रहा है वो कितना मिल जाएगा, 1/8, व्हाट इज द नंबर, कह रहे हैं वो नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले फ्रॉम ए नंबर्स, वो नंबर्स क्या होगा हमको पता नहीं, तो हम क्या करते थे, मान लेते थे, लेट द नंबर टू बी एक्स, वो नंबर्स हमारा क्या होगा पता नहीं, कुछ भी मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, वाई मान लेंगे, जेड मान लेंगे, जो भी आपको मानना है आप मान लेंगे। लेट द नंबर्स टू बी एक्स, अब क्वेश्चन के हिसाब से यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहे हैं, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 ऑफ ए नंबर, नंबर्स हमने क्या माना है, एक्स माना है, क्या माना है, एक्स माना है, क्या करें 1/2 उसमें से क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, इसमें से हम 1/2 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कह रहे हैं जो रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या है, एक्स माइनस 1/2 आया, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई फिर कर दें, कितने से, 1/2 से फिर मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना मिल जाएगा हमको, 1/8 मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 1/8 मिल जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे यहाँ जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है, तो यहाँ सीधे सीधे हम एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले हम बड़मास में क्या करते थे, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 2 होगा, 2 से 1 में डिवाइड कर, 1 से 2 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, हां 2 आएगा, 2 से x में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 2x होगा, 2x होगा, माइनस क्या होगा, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे 1, माइनस 1 होगा, फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 1/2 होगा, इक्वल टू 1/8 हो जाएगा, 2x माइनस 1, यही ना। अब सीधे सीधे 2x यहां सीधे सीधे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 2x माइनस 1 हो जाएगा, अपान में क्या होगा, 2 2 4 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, 1/8 हो जाएगा, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हमने किया है, नीचे का नीचे किया है, 2x माइनस 1 अपान 4 इक्वल टू 1/8 हो जाएगा। आपको ये पता है कि सबसे आसान तरीका ये होता है कि अगर इक्वल का निशान लगा होगा तो हम क्या करवा लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाए तो 8 2 16 एक्स होगा, माइनस 8 होगा, इक्वल 4 1 4 हो जाएगा। अब यहाँ हमारा 16x होगा, इक्वल करेंगे यहाँ 4 होगा, अगर 8 को हम इधर से ट्रांसपोज करके इधर लेके जाए तो क्या होगा, प्लस 8 हो जाएगा। आगे आते हैं, 16x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 में 4 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, x इक्वल टू जब करेंगे तो क्या होगा, 12 होगा, यहां 16 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 4 से दोनों नंबर्स आसान हो गए, 4 3 12, 4 4 16, वो नंबर्स क्या होगा, x इक्वल टू वो नंबर्स 3/4 होगा, क्या होगा हमारा, वो नंबर्स 4 हो जाएगा। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप इसको समझेंगे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसके बाद सारी बात को समझेंगे।
फिर आप इस नंबर में ये क्वेश्चन आप लिखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे में कह रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर स्विमिंग पूल। कह रहे हैं हमारा जो पेरीमीटर एक रेगुलर रेक्टेंगुलर है, एक हमारा रेक्टेंगुलर क्या है स्विमिंग पूल है, उसका जो पेरीमीटर है वो 154 मीटर है। कितना है 154 मीटर। इट्स लेंथ, कह रहे हैं उसका जो लेंथ है वो 2 मीटर मोर देन किससे, ट्वाइस इज ब्रेथ। कह रहे हैं कि उसका जो लेंथ है वो 2 मीटर मोर है, 2 मीटर ज्यादा है किससे और ट्वाइस भी है ब्रेथ से। व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल। कह रहे हैं लेंथ और ब्रेथ पूल की क्या होगी। तो सबसे पहले हमको क्या निकाल, हम सबसे पहले क्या मान करके चलेंगे, सबसे पहले हम क्या मान लें, ब्रेथ मान लें। इस तरीके से आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में किसको मान लें, ब्रेथ को मान लें। लेट द ब्रेथ, लेट द ब्रेथ टू बी एक्स होगा, टू बी एक्स होगा। ब्रेथ हमारी क्या हो गई, एक्स हो गई, ब्रेथ एक्स हो गई। अब क्या होगा, लेंथ कहां है, लेंथ क्या होगा, लेंथ क्या कह रहे हैं, लेंथ तक क्या होगी, लेंथ के लिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो ब्रेथ है उससे कितना 2 ज्यादा है। और सपोज कर लीजिए उसकी ब्रेथ, उसकी ब्रेथ एक्स थी तो उससे कितना ज्यादा है, 2 क्या है मोर है। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, उससे ट्वाइस, ट्वाइस का मींस डबल, डबल से 2 ज्यादा है। तो यहां क्या हो जाएगा, 2x होगा प्लस 2 हो जाएगा। हमारी जो ब्रेथ है वो x हो गई, लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 2 हो जाएगी। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 होता है इनटू लेंथ होता है प्लस ब्रेथ होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होती है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है 154 मीटर, 154 हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की जगह, 2 की जगह 2 हो जाएगा। लेंथ की जगह क्या होगा, लेंथ की जगह 2x प्लस 2 हो जाएगा, 2x प्लस 2 हो जाएगा। और ब्रेथ की जगह फिर क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, हो गया 2 की जगह 2, लेंथ ये हो गई, ये हमारा ब्रेथ हो गई, 154 होगा इक्वल टू 2 हो जाएगा। 2x ऐड कर लेंगे, 2x में 1x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3x होगा प्लस 2 हो जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 154 होगा, 2 3 जा 6 x होगा प्लस कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। 4 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, 154 होगा माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 x हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 150 हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा, 6 x होगा। जब x इक्वल टू करेंगे क्या होगा, 150 होगा अपन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 आसान करेंगे, 6 1 जा 6 होगा, 6 2 जा 12, यहां 3 बचा 13, कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। x क्या था, लेंथ, लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हमारी 25 हो जाएगी। अभी हमको क्या पता करना है, ब्रेथ पता करना है। तो ब्रेथ क्या है, ब्रेथ के लिए, ब्रेथ हमारी 2x प्लस 2 थी, 2x प्लस 2 थी, 2x प्लस 2 थी, 2 होगा x की जगह पे 25 होगा प्लस 2 हो जाएगा। 22 और 25 का मल्टीप्लाई दोनों का करेंगे 50 होगा प्लस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ब्रेथ कितना हो गया, ब्रेथ 52 मीटर हो जाएगा और लेंथ हमारी 25 मीटर हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसको कॉपी में उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आप जल्दी से लिख लीजिए, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में
द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, कह रहे हैं कि जो बेस है आइसोसेलेस ट्रायंगल का वो 4/3 सेंटीमीटर है। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज, कह रहे हैं जो उसका पेरीमीटर है ट्रायंगल का वो 4 × 2/15 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एदर्स ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड, कह रहे हैं जो इक्वल साइड है बची हुई उसकी लेंथ क्या होगी। तो सबसे पहले ट्रायंगल कैसा हमारा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 3। आप सबसे पहले आप फिगर से समझेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, उसकी दो साइड आपस में क्या होती है इक्वल होती है, टू साइड इक्वल होगी, जैसे ये साइड और ये साइड ये दोनों इक्वल है, ये क्या है डिफरेंट है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है डिफरेंट होती है, जो दोनों साइड इक्वल होती है उसको कौन सी साइड कहते हैं, वो कौन सी होती है, वो अदर साइड हो गई और ये वाली बेस होती है, कौन सी, ये बेस साइड होती है। तो बेस साइड दिया हुआ है, बेस साइड जो है वो क्या है, बेस 4/3 यहां लिखेंगे बेस साइड, बेस साइड, बेस साइड क्या है 4/3, कौन सी पता करनी है, ये दोनों साइड पता करनी है, कौन सी, जो हमारे जो अदर साइड दी है, अदर यहां लिखेंगे लेट द, लेट द अदर साइड, अदर साइड टू बी एक्स, एक्स मान लेंगे, फिर लेट द साइड्स टू बी एक्स मान लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के हिसाब से आएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। आपको क्या पता है, यही मैंने बताया था कि जो एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी होती है या साइड ऑफ सम प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है कि थ्री साइड जो होती है वो इक्वल किसके होती है, 180 के, है ना। जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री होता है, उसी तरीके से हमारा जो पेरीमीटर होता है वो थ्री साइड के कितना होता है, इक्वल होता है। यहाँ लिखेंगे प्रॉपर उसके हिसाब से, साइड की प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो एक होगा दो साइड होगी, ये दो साइड होगी पेरीमीटर, एक होगा एक साइड एक होगी, दूसरी हमारी क्या होगी एक होगी, तीसरी क्या होगी 4/3 होगी। ये पूरा किसके पेरीमीटर के इक्वल है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 4 × 2/15, 4 × 2/15 ये इसके बराबर है, ये एक साइड होगी दो साइड होगी ये थ्री साइड होगी, ये किसके इक्वल होगी 4 × 2/15 के इक्वल होगी। एक्स में एक साइड करेंगे कितना होगा 2x होगा प्लस 4/15 कितना होगा 3 होगा, इसको ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसमें 4 × 2/15 मिक्स फ्रैक्शन में दे, इसको पहले इंप्रॉपर में चेंज करते हैं, 14 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 60, 60 में 2 जोड़ेंगे 62/15 कितना होगा 15 होगा, 2x इक्वल टू क्या होगा 62 होगा अपन 15 होगा, ये वाला नंबर को हम ट्रांसपोज करके इधर लेके आएंगे −4/3 हो जाएगा, कितना होगा −4/3 हो जाएगा, यहाँ 15 हमारा एलसीएम हो जाएगा, कितना एलसीएम होगा 15 हो जाएगा, 15 से 15 में डिवाइड देंगे 1 हो जाएगा, 1 का 62 में मल्टीप्लाई करेंगे 62 हो जाएगा, माइनस होगा 3 का 15 में 3 से 15 में डिवाइड करेंगे कितना होगा 5 होगा, 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे 2x इक्वल टू होगा, 2x इक्वल टू यही साधन कर लेते हैं, 2x इक्वल टू करेंगे क्या होगा 62 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा 42 आएगा, अपन कितना होगा 15 हो जाएगा, यही होगा ना। अब इसको आसान कर लेते हैं, यही नंबर 2x इक्वल टू कितना होगा 42/15 होगा, x इक्वल टू जब करेंगे ये 2 कहां चला जाएगा नीचे आ जाएगा, 42 होगा अपन कितना हो जाएगा 15 होगा मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या होगा 42 होगा अपन 30 हो जाएगा, 42/30 हो जाएगा। इसको आसान अगर हम करेंगे तो 6 फिक्सर कितना होगा 30 होगा, 6 से अंदर 42 होगा, तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/5 हो जाएगा।
इंटू टू, वन इंटू टू अपॉन फाइव हो जाएगा। तो जो अदर साइड इसकी होगी, ये बेस वाली थ्री अपॉन फोर थी, जो अदर साइड है वो कितनी हो जाएगी, सेवन अपॉन फाइव ये हो जाएगी, सेवन अपॉन फाइव ये हो जाएगी। जब सारी साइड को हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगी, 62 अपॉन 15 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन हो गया। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सिर्फ सारे क्वेश्चन को जो हमने बताया है बहुत अच्छे से समझेंगे, वरना वर्ड प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम होगी ही, उसका नाम ही प्रॉब्लम है। इसीलिए सारी बात जितनी हमने बताई है आप उसको अच्छे समझेंगे, एक बार दो बार खुद से करेंगे, खुद से करेंगे तभी आपको आएगा। सिर्फ वीडियो देखेंगे आपके समझ में नहीं आने वाला, वीडियो देखेंगे समझ में आएगा, दिमाग से निकल जाएगा। इसीलिए आप जो भी बताएगा तीनों क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे, एक बार देख करके करेंगे, एक बार बिना देखे करेंगे, तब आपकी समझ में आएगा। तो आज बस क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें 3 से आगे का बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, जज़ाकअल्लाह।